गांधी जी का वो विचार जो हमें स्वशासन की ओर बढ़ाने में कामयाब करता है। इसे होम रूल कहते हैं, इसे स्वाधीनता भी कहते हैं। लेकिन स्वाधीनता दो तरीके की होती है, एक अंग्रेजों से लड़ाई लड़के होम रूल यानी कि स्वशासन की, वही दूसरी तरफ आर्थिक स्वाधीनता, सामाजिक स्वाधीनता और आत्मनिर्णय लेने की जो पराकाष्ठा है जिससे पूरा देश समृद्ध हो, कहीं ना कहीं स्वराज उसके इर्द गिर्द घूमता है। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल स्वराज की, औद्योगिक स्वराज की। दरअसल औद्योगिक स्वराज की बात करें तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के बारे में चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। ये वो क्षेत्र है जो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से जिसका इस्तेमाल करा, जहां पर छोटी छोटी मिल उद्योग पनपे और ऐसे पनपे कि एक स्वर्णिम युग कानपुर ने देखा, औद्योगिक नगरी ये कहलाए। लेकिन क्या लंबे समय की बात करें तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो पटल है उस पर ये क्षेत्र, ये औद्योगिक क्षेत्र कानपुर कितना खरा उतरता है, कितना यहाँ स्वराज मिला है। आज भी मिले दम तोड़ रही हैं, आज भी चिमनियों से धुआं निकल रहा है लेकिन रुक रुक कर, आज भी मजदूरों को इंतजार है, समाज के हर स्टेक होल्डर को इंतजार है कि किस तरीके से वो जो शबाब पर दौर था वो आगे बढ़े। सबसे पहले बात कानपुर वुलन मिल की, यानी कि लालिम मिल की। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, लेकिन 1876 के दौर में, फिर आजादी के पहले, आजादी के बाद का दौर किस तरीके से लाल इमली ने देखा। यहाँ के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जो राजनेता हैं, श्रमिक संगठन हैं, मिल मालिक हैं, वो मजदूर हैं जिसकी रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी थी, अब वो दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं, चाय सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन एक वो जो दौर था उसकी बात वो दोबारा करते हैं, कहते हैं कि बढ़ा वेतन माल और कच्चा माल मिल जाए, हम अपनी मेहनत से इसे पुनर्जीवित कर लेंगे, हम लाल इमली चलते हैं। पहले और अब में क्या फर्क है ये बताओ? बहुत फर्क है। क्या फर्क? भूखों मर रहे हैं। हाँ। भूखों मर, चार गाँट मर गए। अच्छा। मजदूर मर गए। हाँ। पैसा नहीं मिला। अच्छा, कितनी शिफ्ट यहाँ पर होती थी, कितने एकदम लोग होते थे यहाँ पर? पहले बहुत आदमी थे, करीब करीब 1400 आदमी था, 1500। अब तो बिल्कुल थोड़े से रह गए। लंबे समय से यहाँ काम कर रहे गार्ड भी यहाँ पर एक स्टेक होल्डर है, और उनको यहाँ पर क्या मिला वो उन्होंने बताया। बहुत ही आजादी की जरूरत है, सांस लेने की जरूरत है। औद्योगिक स्वराज लाल इमली से जोड़कर हम बात कर रहे हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। ब्रिटिश टाइम के आजादी के बाद 81 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ है। नेशनलाइजेशन के बाद हमारे कर्मचारियों को लगा कि हमको एक अच्छा वेतन मिलेगा, मिल सरवाइव होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमती गांधी ने इसका नेशनलाइजेशन किया था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, इस गवर्नमेंटों ने 20 साल के अंदर इसको बंदी के कागार पर खड़ा कर दिया है और हमारे साथियों से झूठ, आपसे आजादी छीन ली, आजादी छीन लिया, उस स्वराज का कोई मतलब नहीं रहा। अब मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मोदी जी हमारी बात को सुने, जो मेकिंग इंडिया की बात करते हैं, स्किल नॉन स्किल की बात करते हैं, आज भी रिवाइवल इसका पेंडिंग है। यार लाल इमली में 10,000 श्रमिकों का वेतन नहीं है, अधिकारी ले रहा है 50,000 40,000 रुपए। कितने समय से आप लाल इमली को देख रहे हैं? हम 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। जिस आजाद लाल इमली को छोड़कर बात की जाती थी, जहाँ स्पिनिंग मिल थी, सायरन बजता था, ओवर टाइम होता था, वो दौर की कुछ अच्छी बातें बता। सुबह अपना आते, सब लोग काम करते थे, सब अच्छा लगता था, बढ़िया समय से तनख्वाह मिलती थी, सब कुछ ही। सरप्लस लैंड को बेच करके इसको चलाया जाने की, वही सबसे बड़ी दुश्मनी का कारण है। अगर उससे अलग कर दिया जाए और हमें केवल कैपिटल मनी दे दी जाए, हमारे वेतन सुनिश्चित कर दिए जाए, जो मजदूरों का यहाँ पे ग्रीवेंसेस है वो तय कर दिए जाए और दे दिए जाए, जो ड्यूज है, तो हम समझते हैं कि हम 50-60 करोड़ रुपए में इसको चला ले जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, उन्होंने भी लालीपॉप दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर अभी आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में हैं और हम लोग यहाँ पर दुर्दशाओं में हैं। अच्छा। तो ऐसे में हम क्या उम्मीदें करें सिवा हम लोग अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने इस्तेमाल करने नहीं देंगे? ना ना, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने देंगे। ताला लगा उसमें। ये करीबन 8 साल से भूमिगत हैं। अच्छा। मिस्टर आर एस ओझा तो ये तो बंद है, बाकी ऑफिसर्स उधर हैं, मीडिया के सामने नहीं आते हैं क्योंकि वो दे आर ऑल कल्प्रिट, वो अनकॉम्पिटेंट है। इनको स्वराज तो मिल ही नहीं पाया, अभी तक वो है एक स्लेव बने हुए हैं, इनका बेटरमेंट हुआ नहीं, इनकी सैलरी अफसरों ने भी नहीं दिया है, स्वराज तो अफसरों ने भी नहीं दिया है।
अपना ग्रेट रिवाइज करा लिया, मजदूरों को ऐसे भूखों मार रहे हैं। कहीं उस समय में दौर में स्विट्जरलैंड और आदि देशों से मंगवाई थी, जब वो काटी गई, जब हटाई गई, तो कितना दर्द आप लोगों को महसूस? एक बेटे की हत्या के बराबर, एक बेटे की हत्या के बराबर। बिल्कुल। तो आपके सामने आजादी भी आप लोग से छीन ली गई और आपके सामने ये सब होता और आप लोग मूक दर्शक बने रहे? नहीं, मूक दर्शक तो हम लोग नहीं बने रहे। हम लोगों ने दंडनात्मक कार्रवाई भी झेली, लेकिन जब यहाँ पर संगठन 14 है और मिलजुल करके उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त हम लोगों ने इसको झेला। अब हम लोग इस स्थिति पे हैं कि हम सब एक हैं। अच्छा। हम इसको कतई बर्बाद नहीं होने देंगे अगर सरकार हमारा साथ देती है। यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे हमने बात की, दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। दर्द सिर्फ लाल इमली का नहीं है, इस वक्त हम एल्गिन इट्स गुड, आप समझिए कि उस समय का ब्रांड था और इतना बड़ा ब्रांड था, इतने शबाब पर था स्थिति कि यहाँ पर तौलिया हो गया, जीन्स हो गया, चादर हो गई, उसका निर्माण होता था। लेकिन यहाँ पर मजदूरों का अपना अलग एक दर्द है। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि एक समय में यूरोप के होटल्स, वहाँ पर एल्गिन का टॉवल सप्लाई होता था और उसमें साफ तौर पर लिखा जाता था कि हमें गर्व है कि हम एल्गिन का ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदर की तस्वीरें अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। अंदर जब हमने आकर देखा तो शायद स्थिति पूरी वीरान है। यहाँ दिक्कत यह हुई कि यहाँ कच्चा माल नहीं आया, प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, कोई भी माल बिना कमीशन के जाता नहीं था, कोई भी माल बिना कमीशन के आता नहीं था। अच्छा। इसलिए जो यहाँ घाटा होने लगा, घाटे के बावजूद सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। जो ट्रेड यूनियन है ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांग को लेकर, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम वो करने जा रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, 6 महीने की बात कही थी, चल ना पाई 12 सालों में। जब होगा मेक इन इंडिया तभी होगा, मेड इन इंडिया तभी होगा मेक इन इंडिया, ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसे स्लोगन्स हैं जो दिल पर लगते हैं। क्रमिक अनशन का 4335वां इनका दिन है। ये बताइए कि अब तो मिल बंद हो गई, आपके अनशन का फायदा क्या? हम लोग लगातार 11 साल से इस सरकार को याद दिला रहे हैं कि जो नोटिस आपने लगाई थी 2001 में कि हम इस मिल को बंद करके पूरी क्षमता से एक मिल चलाएंगे, उसके लिए हम बैठे हैं कि आप इस मिल को चलाइए। यानी कि आपको यहाँ पर ना स्वराज दिखता है ना आजादी? स्वराज काहे का, हमको ना आजादी और स्वराज काहे का, जब हमको पेट के लिए रोटी नहीं मिलेगी, तन के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, तो स्वराज काहे का? जो सरकार आती है वो कोई सुनता है नहीं, कौन जो आजादी दिलाए वो सुने? कम से कम हम लोग इसी सहारे बैठे हैं कि कोई भी सरकार आ जाए वो हम लोग को आजादी दिलाए। मेहनत सिर्फ थी और मेहनत के हिसाब से पैसा मिलता था, उसी हिसाब से हर कोई शिकवा शिकायत नहीं आया, मजदूर खुशहाल था, महंगाई इतनी नहीं थी जितनी पहले थी, उसी हिसाब से उसका पूरा उसी में शादी ब्याह। अब तो शादी ब्याह का कोई कर ही नहीं पा रहा। ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। अंग्रेज जब चले गए तो जब छोड़ के वो क्या गए, वो इस तरीके की चीजें छोड़ के गए। एक तो समय में कानपुर की शान थी, यहाँ की इंडस्ट्री, जो आवाजें आती थी, जो साइकिलों की ट्रिन ट्रिन आती थी, इस तरीके की विंटेज गाड़ियां थी जिसको प्रदर्शित किया गया, लेकिन अब ये सिर्फ एक शोपीस बन के रह गई है। कमोबेश उसी तरीके की स्थिति कानपुर के तमाम औद्योगिक मिल की भी है, तमाम ऐसे सहायक उद्योगों की है, एंसिलरी इंडस्ट्री की है जो उनके लिए काम करा करते थे। ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष मणिकांत जैन साहब हैं। मणिकांत जैन जी, हम बात कर रहे हैं औद्योगिक स्वराज की। जो अंग्रेज विरासत छोड़ गए थे उसको संभवतः जिन लोगों ने संभाला वो उसको ठीक तरीके चला नहीं पाए, और सबसे बड़ी कमी मॉडर्नाइजेशन की हुई। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार को अपनी तरफ से हम लोग ये मांग उठाते आए हैं कि उनको एक या दो बड़ी इंडस्ट्री कानपुर के लिए देनी चाहिए थी, लेकिन नतीजा क्या निकला कि जो इंस्पेक्टर राज था, जो प्रदेश में सरकारें आई, कहीं ना कहीं उनका मन इन सब बातों में था ही नहीं कि इंडस्ट्री डेवलप सिटी है, इसको हम और आगे डेवलप करें। जो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आए उन्होंने कहीं जमीन बेच दी, कहीं मिलों का जो सामान बेच दिया, और उसके बाद
वो जो पैसा आया वो कहीं ना कहीं और योजनाओं में लगा दिया गया, सरकार ने इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करा। लेकिन श्रमिक संगठन और यूनियन लीडर्स की कहां पर गलती रही है? यूनियन लीडर्स की गलती यहां पर रही कि उनको ये मांग करनी चाहिए थी कि हमारी सैलरी तो बढ़ाई जाए लेकिन साथ में जो मुनाफा आ रहा उसको वहीं पर कहीं ना कहीं वापस मिलों की तरक्की में लगाया जाए ताकि रोजगार के और साधन बढ़े। मुझे अच्छी तरह यानिका जी याद है, हम लोग छोटे थे तो चाहे लाल इमली हो चाहे वो एल्गिन हो, हम लोग सवेरे जब उठते थे तो दिखते थे कि चिमनियों के धुएं से काला केले कण आ जाया करते थे। हम लोग जब मालरोड पे निकलते थे ओईए की छुट्टी होती थी तो एक बार में 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 श्रमिक साइकिल से आ जाया करते थे। धीरे खत्म हो गया। आजादी के पहले कानपुर में अगर जाएं अपने फोरफादर से पूछें तो कानपुर इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा हब हुआ करता था देश का। बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। वो क्यों कहलाता था? यहाँ पे हर प्रकार की इंडस्ट्री थी, विशेष तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लाल इमली है, कॉटन मिल है, विक्टोरिया मिल, म्योर मिल, कितनी इंडस्ट्री चलती थी। और जहां तक मैंने अपने बचपन में देखा है कि पहले लोग सवेरे से लेबर जाते हुए मिल में, एलियन मिल में जाते हुए दिखते थे, एक माहौल इंडस्ट्री का दिखता था। धीरे धीरे बहुत सारे कारणों से लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट और लैक ऑफ बिकॉज ऑफ लेबर अनरेस्ट कानपुर की हालत ये हो गई कि आज कानपुर में इंडस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं बचा है। जो कानपुर में बेसिकली कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं विशेषकर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक स्ट्रांग बेस होने के बावजूद हम लोग ये समझते हैं पहले हम लोग ज्यादा आजाद थे और अब दिक्कतें। अगर आप नई इंडस्ट्री लगाने भी चाहते हैं, कोई लगाना चाहता है, तो कम से कम एक दर्जन से ज्यादा डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स को आपको फेस करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार से आजादी तो नहीं है, इससे आजादी चाहिए तो एक फ्रीडम होनी चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। बढ़ते रिस्क फैक्टर के साथ और घटते निर्यात के साथ किस तरीके से लेदर इंडस्ट्रीज और टैनरीज ऑपरेट कर रही है, अपना दायरा बढ़ा रही है, कुछ बंद हो गई, कहीं पर ऑडिट चल रहा है, कहीं पर इंस्पेक्शन हो रहा है और कहीं पर मानकों का ध्यान रखने के लिए सीधे तौर पर चक्कर लोग काट रहे हैं। लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, खुद हम एक लेदर इंडस्ट्री में मौजूद है। कुछ आंकड़ों पर यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। लेदर इंडस्ट्री कानपुर की लेदर इंडस्ट्री एक नजर में, यहाँ पर 300 टैनरी है, लेदर उत्पाद इकाई है लगभग 250 है, गैर लेदर उत्पाद इकाई 500 है, तो कुल निर्यात यहाँ पर 5,000 करोड़ है, जिसमें सेडलरी का निर्यात करोड़ में है, अगर करोड़ में बताएं तो 500 करोड़ है। कुल लेदर कारोबार 10,000 करोड़ और कामगारों की संख्या 2,00,000 है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ताज आलम साहब एक एंटरप्रेन्योर है आप हमारी नजर में, लेकिन उत्तर प्रदेश को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप प्रेसिडेंट है पूरे इस लेदर एसोसिएशन के। हम बात कर रहे थे कि ये कानपुर के दिल की तरह है लेकिन इसको पेसमेकर की जरूरत पड़ गई है। लेकिन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिन्होंने पहली बार, हमने भी पहली बार लेदर और टैनरी इंडस्ट्री का जायजा लिया, आप हमें संक्षेप में बताएंगे कि क्या क्या काम चल रहा है, कैसे होता है? देखिए ये एक तरफ अगर आप देखें तो ये शेविंग मशीन है जो लेदर को शेव करती है, स्प्लिटिंग मशीन है जिससे लेदर स्प्लिट होता है, जो आपको यूनिफॉर्म एक थिकनेस चाहिए होती उस थिकनेस में स्प्लिट हो रहा है। ये आप यहाँ पर ये देख रही हैं वेट ब्लू लेदर रखा है, ये मुख्तलिफ लेदर जो आप देख रही हैं कोई ब्राउन कलर में है, कोई ब्लैक कलर में है, ये सब ये ड्रम डाइट लेदर है। ये जो बड़े बड़े टैनिंग ड्रम्स हैं, जो बड़े बड़े टैनिंग ड्रम्स लगे हुए हैं, इन ड्रम्स के अंदर इसकी टैनिंग भी होती है, रीटैनिंग और उसके बाद इसकी डाइंग जो है वो इसमें होती है। और ये डाइट लेदर अगर आप ऊपर देखें तो ये जो सूख रहा है, ये ब्लैक लेदर एक तरफ है, ब्राउन लेदर एक तरफ है, तो ये सारे जो लेदर हैं ये हम लोग इसमें बनाने के बाद फिर इसको ड्राई करने के लिए ये ओवरहेड कन्वेयर सिस्टम जो है इसके ऊपर इसको टांगते हैं। दिक्कत क्या थी आप लोग की आजादी में, सबसे बड़ा रोड़ा है? देखिए इस वक्त जो ये इंडस्ट्री जूझ रही है एक पॉल्यूशन के एक बहुत बड़े मुद्दे से जूझ रही है, यानी कि इस इंडस्ट्री सारा आरोप आप लोग मतलब सारा क्राइसिस। मैं ये कहना चाहूंगा कि तकरीबन कानपुर में 30,000 से 35,000 हर किस्म की इंडस्ट्रीज हैं डिफरेंट नेचर की, और टैनिंग यूनिट सिर्फ करीब 400 से 500 हैं। तो सारा मसला आकर के टैनिंग यूनिट्स के ऊपर हो जाता है, कुंभ मेला आता है या कोई इस तरह का नहान, तो उसमें हम लोगों से कहा जाता है कि भाई आप अपनी यूनिट्स को जो तो पर्यावरण को ध्यान में रख रहे हैं। लेकिन ये बताइए, आप कहते हो कि सरकार आपको हेल्प नहीं कर रही, लेकिन सरकार अगर 10% भी कुछ कर दे तो आप 50% अपनी तरफ से कोऑपरेट करेंगे? भाई गंगा को बचाना आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम लोग भी चाहेंगे और उसके लिए अपने पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं कि एनवायरमेंट क्लीन रहे। और लेकिन अगर कुछ ऐसे कानून हैं जो सिर्फ एक लेदर इंडस्ट्री के ऊपर लाद दिए जाएंगे तो उसमें जरा मुश्किल ये हो जाएगा। अभी
100 से ज्यादा टैनरी तो बंद ही हो गई। जी 100 से ऊपर टैनरी जो है भी एनजीटी के ऑर्डर से बंद हो गई हैं और कुछ और टैनरीज वगैरह के इंस्पेक्शन चल रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है जो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर इसकी टेस्टिंग हो रही है, CPCB में भी हो रही, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हो रही, IIT कानपुर में हो रही, सब जगह हो रही। इंस्पेक्टर राज तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर खत्म हो गया है, लेकिन अब शुरुआत हो गई है टैक्सेशन प्रोसेस की। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है जिससे आप लोग को जूझना पड़ता है। आप लोग तो इतने भी इंडिपेंडेंट नहीं है कि आप लोग खुद अपनी डिजाइन भी करके बेच सके। जी देखिए ऐसा है कि टैक्सेशन जैसे अभी एक छोटा सा रिलीफ टैक्सेशन में मिला था, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो सर्विस टैक्स इतना बढ़ गया है, सर्विस टैक्स तमाम ऐसी चीजों पे लागू हो गया जो पहले नहीं था, उसका रेट भी बढ़ गया है। और इनकम टैक्स का जो स्लैब उन्होंने दिया है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स में जाकर के उसको ग्रेजुअली होकर के किया है, तो उसका रियल बेनिफिट अगर देखा जाए तो अभी इंडस्ट्री को नहीं मिल पाया। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और टेक्नोलॉजी हो। तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ पर बने, ये वो सांचे हैं और ये जो सांचे का रूप है ये इस रूप में सामने निकल कर आएगा। ये सांचों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी तकनीकी पहलू हैं जिसको हम मोटे तौर पर जी संगम पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस रूप में शामिल किया जाएगा। कई ऐसी सेडलरी है जो यहाँ पर बनती है और यहाँ की यूनिकनेस और ब्रांड को एड करती है। जो शौकीन लोग हैं जो उस समय, क्योंकि सेडलरी का कॉन्सेप्ट देखिए, जो अंग्रेज एक विरासत को छोड़ के गए हैं और उस समय एक रॉयल जमाना था, चाहे राजाओं की दौर की बात करें, अंग्रेज सेडलरी क्यों अभी भी डिमांड में वो आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा और क्या कुछ डिमांड में और किस तरीके से इसका प्रोडक्शन फिनिश प्रोडक्ट के रूप में हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। लेदर टैनरी उद्योग किस तरीके से एक शबाब पर था, एक स्वर्णिम दौर, वो तो हम नहीं देख पाए, लेकिन अतीत के आईने से भविष्य की नींव क्या होने वाली है उसकी कीलों पर विशेष तौर पर ध्यान हम जरूर देख सकते हैं। ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताज साहब ये बताइए कि देखने में तो ये सब ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर इंडस्ट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ बहुत ही बहुत करोड़ों में खेल रही है। वो असल में रोजी पिक्चर इसलिए लग रही है क्योंकि आप एक शोरूम के अंदर हैं, लेकिन शोरूम के पीछे की जो हकीकत है कि कितनी मेहनतों और मशक्कतों के बाद ये चीज, ये प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे पहले तो लेदर मेकिंग इटसेल्फ एक, अब आपको मैं समझा चुका हूँ कि कितना टीडियस जॉब है। तो टीडियस जॉब का सही रूप हमें दिखाइए। कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सोना तो आपने बना दिया है। ये असली घोड़ा नहीं है, असली घोड़ा है, लेकिन सामान प्योर है, मानते हैं ना। और दिक्कत आपके पास दो आती है इस तरीके के, जितने भी सामान आप मैन्युफैक्चर करते हैं सैडलरी से लेकर, ये सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी ब्रांडिंग से रिलेटेड होती है, आपकी पूरी इंडस्ट्री की ब्रांडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरी, आपके पास इतना ही हक नहीं है, इतना राइट तक नहीं कि आप इसकी डिजाइनिंग भी खुद कर पाए। इसको ब्रोबेंड कहते हैं, ये लगता है, चूंकि राइडिंग इंडस्ट्री में मोर देन 70% गर्ल्स जो राइडर्स हैं, तो वो इस किस्म की चीजें जिसमें क्रिस्टल्स लगे हों, कलरफुल क्रिस्टल्स लगे हों, या उसके अंदर ही चेन्स लगी हों, इस तरह के एम्बेलिशमेंट्स को बहुत पसंद करती है। लेडीज सेक्शन पे चलते हैं। कभी कभी ये इतनी हल्की खाले मिल जाती है तो ये होता था कि इसका करें क्या, तो अल्टीमेटली दोज थिंग्स कंपेल्ड अस टू गो इनटू फर्दर डाइवर्सिफिकेशन। तो कुल मिलाकर जो माहौल यहाँ पर है, इंडस्ट्रीज यही कहती है, यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री कहती है कि जो एक्सलेंस है, मेकिंग एक्सलेंस इज आवर हैबिट। हम स्वराज की बात कार्यक्रम में कर रहे थे और वो मुहावरा पुराना आपको याद होगा कि मेहंदी जितना पिसती है उतना रंग लाती है। ये स्थिति, ये जो माहौल है, उस किसान की तरह है जो बारिश की परवाह करे बगैर, ओलावृष्टि के मुआवजा आएगा या नहीं आएगा उसके बगैर एक स्वराज की बात कर रहा है, सेल्फ रूल की बात कर रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर औद्योगिक नगरी यही कह रही है कि दरअसल स्वराज ये है कि हम खुद आत्मनिर्भर बने। स्वाधीनता की मांग हम लंबे समय से कर रहे थे, मांग सुनी गई कहीं, कहीं नहीं सुनी गई, लेकिन अब जो मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, सबसे पहले मेड इन इंडिया पर बल दो और हम उसको लेकर काफी अरसे से आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर इतनी उम्मीद जरूर है कि यहाँ पर कोशिशें तेज होंगी कि जो चिमनी है वो ठंडी ना हो। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।